नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, आज के इस जबरदस्त मीटिंग में, जहां पे हम लोग बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर ही बातें करते हैं। चलिए कुछ जानते हैं और उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाए वो किस लिए बना? वो इसलिए बना था कि इनके तरफ से जो बहुत सारी झूठ झूठ पे झूठ बोला जा रहा था, वो आगे ऐसे झूठ ना बोल पाए। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में आपको, आपके बारे में उसको वैसे बोला जा रहा था, यानी कि दिल्ली के बारे में महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के बारे में यूपी को, यूपी के बारे में हरियाणा को, वैसे ही बताया जाता था। तो ये जो सारी चीजें थी उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अब जो सच्चाई है वो सभी के सामने है, क्योंकि अभी समीर भाई गोवा से हैं, राकेश भाई महाराष्ट्र से हैं, और इलियास भाई, चेतन भाई और मोहम्मद भाई हमारे कर्नाटका से हैं, बहुत सारे साथी वहां से हैं, तेलंगाना से है जमील भाई, सादिक भाई, आजर भाई, बहुत सारे लोग हैं, और उड़ीसा से हम लोग हैं, बिहार से हर्ष भाई, नंदलाल जी, तिवारी जी, बहुत सारे लोग हैं, यूपी से भी बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान गुजरात से बहुत सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग। तो ये एक मंच इस हिसाब से बन गया जहां पर कि अभी लोगों को मतलब कुछ कहना या कोई सपना दिखाना अब पॉसिबल नहीं हो रहा। देखिए, सीधा बात है, अगर मैं बातों को आपको एकदम क्लियर बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद मिला है। तो आज मैं बड़ा खुश हूं कि और एक खबर हमको सुनने में आया जो आज तक हर्ष भाई ने बोला था 119 करोड़ के बारे में, आज एक चीज सुनने में आई, पता नहीं वो कितना सच है, लेकिन लेकिन अब बताया ये जा रहा है, हर्ष भाई है मीटिंग में नहीं है पता नहीं मेरे को, हर्ष भाई अगर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, हाँ है तो सुन भी रहे होंगे, तो जो 119 करोड़ के बारे में बातें की गई है तो उसको अब ये बताया जा रहा है कि हांगकांग से 119 करोड़ आया है, और उसकी पूरी सच्चाई आप लोग पहले से ही जानते हो। और बचा दूसरा बात, क्या अब क्या बोला जा रहा है कि जो कंपनी इधर इन्वेस्ट करने जा रही है वो स्टोर कब खोलेगी? जब माहौल सही होगा। अगर माहौल सही होगा तब जाके कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है या स्टोर खोल सकती है। अगर माहौल खराब रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं एक चीज ये आप सभी से फिर पूछना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूं कि क्या हम लोगों ने कंपनी को टाइम नहीं दिया? क्या क्या हम लोगों ने कहीं कुछ बड़ा हंगामा कर दिया है क्या? और जो ये बातें हैं, देखिए
सीधा हिसाब है। गौतम 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 भाई जब अपन पैसे पूछ रहे ना, पैसे अपन पूछ रहे ना, तो माहौल खराब कर दिए। बोले सही बात है, उनके सामने हंदे भैरे गुंगों के सरकार है तो उनका माहौल अच्छा है। बोले सरकार वो लोग अपनी मर्जी में आए सरकार काम करते ऐसा, जैसे अपन पूछे पैसे तो माहौल खराब हो गए सरकार। ये पूरे फिल्म एक्टर है ना, सुने आप फिल्म एक्टरों में विलन आखिरी विलमा विलाना है ना पूरे, सुने डाका डाकुआ है वो भी भवानी सिंह ऐसे नाम आ रहे थे सिने डाकों के, वैसे है मुकेश त्यागी क्या है ना, क्या पूरे डाकों है ना। लेकिन एक बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि 119 करोड़ हांगकांग से आ गए हैं, समझ रहे हैं, तो वो हांगकांग में आके इंडिया में फिक्स डिपॉजिट हो गए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़िया है, हांगकांग से पैसा आ गया तो ये सुनकर बड़ी खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, अगर अगर जो कंपनी के स्टाफ है, अगर जो कंपनी के स्टाफ है, कंपनी कम से कम माहौल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो स्टाफ है कम से कम सैलरी तो उनको दे देती, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ ऐसे भी है जो कि 6 महीने 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, उनको बोला गया था कि आप यहाँ ज्वाइन करें और उसके बाद में आपको बिल्कुल पेमेंट मिलेगा या हम पेमेंट देंगे, लेकिन आज तक उनको पेमेंट नहीं मिला है। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि स्टाफ को सैलरी देने भी माहौल चाहिए। पता नहीं कौन सा माहौल का इंतजार कर रहे हैं कि स्टाफ को 1 महीने का सैलरी देने के लिए माहौल चाहिए, और ऑडिट और मर्जर वो कैसे होगा पता नहीं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, वो उनका विचार है, लेकिन यही है कि अगर ऐसा ही एकदम है तो कम से कम स्टाफ का सैलरी तो दे देना चाहिए। चलिए कोई नहीं, हम अपने बातों पर आते हैं। हमारा जो हिसाब किताब है वो आप सभी को पता है और बिल्कुल साफ है कि जो भी होगा अब एक्शन मोड पे, बिल्कुल एक्शन मोड पे है। आज 10 तारीख भी पार हो गया और दिखा कुछ नहीं, बचे हैं 2 दिन और 12 तारीख को 12 बजे काम बिल्कुल होगा, यानी कि बीच में बचा कल का 1 दिन। तो वही है कि हम जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल आपके सामने रहेगा और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है वो भरोसा कहीं ना कहीं बिल्कुल हमको बहुत पावरफुल बनाता है, बहुत शक्ति देता है मेंटली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अंदर से कभी कभी टूट जाते हैं कि क्या करें, इतना कुछ हो रहा है फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कभी कभी हम लोग भी अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन जब ये मीटिंग होता है और कोई बहुत दुख के साथ कहता है, कोई बहुत एग्रेसिव होके कहता है, कोई अपने बातों को समझाते हुए कहता है, तो वो सारी चीजें बहुत मतलब अंदर से ही ताकत देती है। मैं अगर मेरे अपने बारे में बोलूं, आप सभी को मैंने शायद पहले भी बहुत बार बोला है, मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूं और शायद जून के महीने के बाद से हमको एक भी पेमेंट नहीं मिला है, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको भली भांति पता है कि आज के डेट में मैं अकेला इनकम करने वाला आदमी हूं, लेकिन मैं खुद कहीं घर से निकल के जा नहीं पाता हूं, फिर भी घर चल रहा है और
जब तक ये काम खत्म नहीं होता है तब तक मैं कोई और काम नहीं करूंगा, ये कम से कम किसी और को नहीं तो हर्ष भाई और मुनसाब भाई को अच्छी तरह पता है। तो यही है कि आप लोग ही हो जो कि बहुत शक्ति मिलता है आप लोगों की बातों से, और ये जो मीटिंग हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं मतलब सारा जो जितना भी दिन भर का जो भी है वो सारा हम भूल जाते हैं। तो यही है, ये लोग जो भी काम कर रहे हैं ये फिर से घुमा के नेगेटिव पॉजिटिव की ओर ले आए हैं उसको, जो कि दिसंबर में इनके पास में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और अब तब तो ठीक है, डर था और काम इन्होंने किया, लेकिन अब वो भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, लेकिन हम लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। अगर हमको अपना पैसा नहीं मिलेगा तो आप भी दुनिया में कहीं बिजनेस नहीं कर पाओगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि यहाँ पर जो हमारे प्यारे CMD मिस्टर फैजान खान है, उनका अभी भी दो कंपनियां ऐसे हैं जो ऑलरेडी रन करते हैं, अभी भी रन कर रहे हैं, यानी उनका इनकम उनके पास जा रहा है। मैग्मा वर्ल्ड का तो छोड़ दीजिए, और अगर किसी को कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बार मीटिंग में बोला भी है उसके बारे में कि हमारी एक कंपनी है जो प्लान डिजाइन करती है और लोग उस प्लान ई स्टोर के तरह हमको प्लान चाहिए वो पूछते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी उनका खुद का है। तो उसमें जैसे भी हो इनको काम करना ही है, यानी कि ये लोग कर रहे हैं वहां पे और वहां से इनको मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, अब खाना खा रहे होंगे शायद, पता नहीं, कोई नहीं। तो यही है, हमारे साथ में चेतन भाई है। चेतन भाई, अगर आपके पास में कर्नाटका से कोई अपडेट है, जैसे समीर भाई ने गोवा से बताया, चेतन भाई अगर आपके पास में कुछ भी थोड़ा बहुत अपडेट है तो बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते चेतन भाई, स्वागत है। अपडेट मतलब क्या सर, क्या बोलने का, आपको भी पता है वो हर रोज फोन कर रहा है मुकेश त्यागी, हर रोज फोन कर रहा है, हर रोज बता रहा है 10 स्टोर ओपन कर दूंगा, ओपन करवा दीजिए, ओपन करवा दीजिए। क्या करेंगे सर, ओपन तो नहीं होगा, वो एक मंथ का रेंट डालता हूँ करके बोल रहा है, अभी बोल रहा है एक मंथ का ही रेंट पे भी नहीं डालता हूँ, ऐसे ओपन होता है सिर्फ बातें में सर। और कल तो इधर एक आदमी को मतलब एक इन्वेस्टर को मंथ फाइनेंस ओनर सर, उसको आईडी मेंबर्स आके बिल्डिंग ओनर्स आके सब लोग मार के तो बोलने के लिए मतलब तकलीफ हो रहा है सर सबको, अभी इंटरेस्ट ही चला गया है सर। आपका ग्रुप है, हम इधर बातें करते सुनते हैं, जरा थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हैं उससे ऑक्सीजन मिलते करके बोलते हैं ना, सिर्फ उतना ही सर। सही बोले भाई, आज तो बोलने का मन ही नहीं है सर मुझको, हर रोज सुन सुन के इनका सब नाटक दे। अभी तो वो लोग मतलब स्लो हो गए सर, अभी तक पहले जरा वो एक्टिविटी भी था, अभी तक अभी तो कुछ एक्टिविटी भी नहीं। और हमारा आरएम बोल रहा है सबको, कौन फोन करते है ना रेंट के बारे में, कुछ स्टोर ओपनिंग करने के बारे में कुछ फोन किए तो वो खुलम खुलम हो रहा है, आपका सामान आप भेज दीजिए बिल्डिंग ओनर को सौंप दीजिए, ऐसे बोल रहा है सर, डायरेक्ट बोल रहा है। मर्जिंग का छोड़ दीजिए, वो भी क्या करता है सर, उसका भी कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है, वो एक्टिव है एक्चुअली, ही इज गुड पर्सन, लेकिन उसको पैसा नहीं तो कैसे सर स्टोर ओपन कर सकता है, कैसे स्टाफ सैलरी दे सकता है, कैसे सर, उसको भी बहुत प्रेशर हो गया है सर। बस इतना ही सर,
सर मैं अभी एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा आपको, अब ये एक नई बात आ रही है सामने, हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको भी सुनने मिले कि आप लोग इतना माहौल को पैनिक या खराब करके रखे हैं तो अक्रेडिया कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं सर ऐसे कुछ नहीं, हम लोग स्टोर मर्जिंग ओपन के लिए कौन भी विरोध नहीं कर रहा है सर, कौन भी विरोध नहीं, हम बोले हम अभी तक कुछ भी नहीं किए सर, अभी तक हम तो मीटिंग करके डिस्कस करने वाला इतना ही, कुछ केस किस भी बारे में कुछ बताया नहीं उनको, माहौल ऐसा कुछ भी नहीं सर, इधर बहुत शांत है, बहुत सपोर्टिव है, इन लोग इस दिन तक हमको बात नहीं करते थे, अभी बात करने लगे, हम बोल रहे मर्जिंग करो ओपन करो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेकिन एक मंथ का रेंट डाल के कौन भी राजी नहीं सर इधर वो राजी नहीं हो रहे, मैं भी समझाया थोड़ा बहुत ओनर्स को समझाया, इन्वेस्टर को समझाया, सब लोग को समझाया, वो बोल रहे अगर तू देता है तो दे दे, कैसे बोल रहे मैं कैसे दूं सर गारंटी आप ले लो तो हम दे दे राजी खुलने के लिए कंपनी से। गौतम जी आपके बारे में कुछ गारंटी है तो बोल दो, मैं गारंटी ले लूंगा, लेकिन ई स्टोर के बारे में मैं गारंटी नहीं लूंगा सर। क्या बात भाई बताइए, सही बात है, गारंटी नहीं लूंगा सर। बिल्कुल 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 सही बोले चेतन भाई आपने, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, और यही है कि अगर आज तक भी आप ये सारी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे आप क्या करोगे, ऐसे ही बातें चलती रहेंगी और आप अपना काम करते रहोगे, लेकिन यही है कि जब तक कुछ दिखता नहीं तो होगा कैसे ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब फिर से घूम फिर के वहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे सभी को समझा देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर, क्यों, क्योंकि सितंबर में सभी को पता है सितंबर 30 तारीख तक इन्होंने जो है 25 लाख का स्टोर बंद करने का ऐलान किया था, तो 25 लाख का स्टोर बंद हो रहा है और सितंबर 30 तक तो बहुत सारे स्टोर, करीबन 300 प्लस स्टोर डले थे सितंबर में, मेरे को जितना जानकारी मिला था, मैं पता नहीं कितना सही है, लेकिन बहुत सारे स्टोर गए थे ये मेरे को पता है, क्योंकि खाली उड़ीसा से ही 15 स्टोर गए थे ये मैं कंफर्म हुआ। तो उस हिसाब से फिर दिसंबर से बेदा पॉइंट शुरू हुआ, और जब दिसंबर से बेदा पॉइंट शुरू हुए तो वो खींचता रहा, आपको पता है मार्च तक भी लोगों ने बेदा पॉइंट डाले, बहुत सारे बेदा पॉइंट डाले, तो आप उतने में ही सोचिए कि कितना पैसा कंपनी के पास में आया होगा, और अक्टूबर में इन्होंने जीडीएस कॉइन लॉन्च कर दिया। देखिए मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको, मैं जो बोल रहा हूं वो विथ लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ छोटा बच्चा नहीं है, क्लास 1-2 या 10th प्लस 2 पढ़ने वाला, सभी लोग बहुत मैच्योर हैं और यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो सितंबर में बहुत सारा स्टोर गया और उसके बाद में जीडीएस कॉइन आया और तुरंत उसके बाद में आ गया वेदा पॉइंट, जब इन्होंने मल्टीपल आईडीज खत्म की, तो वो सारा जो पैसा इन्होंने क्रिप्टो में डाल दिया, और आपको सभी को जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है वो भली भांति जानते हैं कि स्टोर का जो मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से हो रहा था, क्यों, क्योंकि आज भी अगर वही मैग्मा वर्ल्ड का प्लान हम देखते हैं
तो उसी हिसाब से वहां रिटर्न मिलता है पैसा। तो क्रिप्टो से पैसा आता था और आराम से ये लोग पे करते थे, भले ही स्टोर में सामान रहे, कोई बिके ना बिके, कुछ भी हो, हमने अपना पैसा डाल दिया और वहां से मेरे को पैसा मिलने लगा और मैंने उसी पैसे को जिससे जो लिया था उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। अभी लोग पूछेंगे ऐसा कैसे, आप बता सकते हो, अगर किसी को भी, जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर किसी को भी क्रिप्टो के बारे में नॉलेज होगा तो वहां पर इनका एक वर्ड आता है क्रिप्टो में जो है स्टेकिंग। अगर मैं कुछ कॉइन खरीद कर उसको स्टैकिंग में डाल देता हूं तो वो मेरे को प्रॉफिट देते हैं कॉइन के हिसाब से, तो वो जो प्रॉफिट आता है वो उतना उस हिसाब से है कि जितना ये लोग दे रहे थे, जितना मेरे को मालूम है। अगर $100 करेंगे तो पर डे मिनिमम $1 तो होना ही होना है, या 0.5 भी पकड़ के चलिए, तो उस हिसाब से आप देखिए, आपका प्लान देखिए 8,991 यानी कि 9,000 यानी कि $100, और उसके बाद में आप उस हिसाब से स्टैकिंग का हिसाब जोड़ दीजिए। अगर $100 में 0.5 भी मिलता है डेली तो महीने के होते हैं $15, 15×80 कितना होता है 1200, आपको मिलते थे कितने, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां है जो मैं ये सोचता हूं। मैं नहीं बोलता हूं कि कंपनी ने ये किया है, मैं अपने बातों पर खुद जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूं कि ये मेरी सोच। तो अगर 0.5 के हिसाब से ये रिटर्न भी मिलता है तब भी आपको ₹1200 मिलते थे 9,000 पर, और उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, जो फ्रेंचाइजी हुआ या जो भी है, डेटा पॉइंट है या जो भी है, वो अपने हिसाब से है। तो जब रशिया और यूक्रेन का शुरू हुआ मामला, मार्च में शुरू हुआ, और जो पेमेंट, क्योंकि मैं नेटवर्कर भी हूं तो पेमेंट आते थे रेगुलर, तो पहले माहौल बिगड़ा स्टोरों का, फिर पेमेंट लेट होना शुरू हुआ, वीकली लेट होते चला, एक वीक डिले चला, फिर 2 वीक 15 दिन तक डिले हो गए। उसके बाद में उसको मेकअप करने के लिए बिल्कुल मतलब बंद ही कर दिया कि ये हम उतने से उतना पेमेंट नहीं देंगे, अब हम करंट का पेमेंट देंगे। तो ये जो बातें मैंने कही, अब जो लोग अंधभक्त बने हुए हैं मैं उनको भी बता दूं, जितना भी पैसा इनका क्रिप्टो में लगा हुआ है, हाँ ठीक है